بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. आवाज आ रही ठीक सही है मैं तो आ रही इनको आ रही है ब्रदर एंड सिस्टर्स आर यू एबल टू लिसन एनीवन कैन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ रिप्लाई यस यस वी कैन हियर हिम क्लियरली ठीक शार्प बिस्मिल्लाह اللهم ربنا زدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح I was thinking in the beginning should I start off with a little bit of introduction related to the exegesis of tafsir of the Quran yani shuru mein pehle irada yahi tha ke kuch tamhidi bayan ho jaye pehle Quran pak ki tafsir karne se pehle jaise misal ke taur par wahi hai surat aur isi tarah Quran pak kis tarah nazil hua ye niqat jo hain hum ye dekhte hain ye हरकत वगैरह हैं नुक्ते हैं ये कब आए ये पहले थे या नहीं थे इसी तरह कुरान पाक की तफसीर करने के लिए किन उलूम की ज़रूरत है यू गाइस अंडरस्टैंड उर्दू द बॉयज यू गाइस अंडरस्टैंड या बिकॉज़ आई नीड यू गाइस टू अंडरस्टैंड मोर देन एनीवन ओके इसी तरह कुरान पाक की अगर तफसीर करना हो तो किन उलूम की ज़रूरत है उसमें ये सब चीज़ें जिसे उलूम अल-कुरान के नाम से याद किया जाता है उसको तो इंशाल्लाह मैं चाह रहा था ये कि मैं पहले सूरह फातिहा शुरू कर दें हम कम से कम कुरान पाक शुरू हो जाए कम से कम उसकी तफसीर इब्तिदा कर दें हम फातिहा अगर इस बार ख़त्म हो जाए इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट इसमें कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में आधी कम से कम कर लेते हैं इस बार इंशाल्लाह फिर सूरह फातिहा जब ख़त्म हो जाए तो इंशाल्लाह जो मुकदमे के तौर पर जो चीज़ें बयान करनी चाहिए उलूम अल-कुरान या उसूल अत-तफ़सीर जिसे कहा जाता है इंशाल्लाह I will mention them. सबसे पहले तो कुरान पाक में तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ शुरू जो हवा होता है लेकिन हम जब पढ़ते हैं कुरान पाक को when we recite, what do we start with? हम पहले कहते हैं أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. That's how we start usually, right? So what is استعاذة? इसको أعوذ بالله من الشيطان الرجيم को استعاذة कहा जाता है. استعاذة का मतलब यह है के पनाह लेना टू टेक रेफ्यूज राइट टू सीक प्रोटेक्शन टू सीक प्रोटेक्शन ऑफ अ हायर अथॉरिटी टू फ्ली टू समवन हु कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम समवन ठीक इस्तियादा का मतलब ये होता है इस्तियादा में सबसे पहले कलिमात जो है आऊदू ये वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है अरबी में आऊदू का मतलब होगा मैं पनाह लेता हूँ मैं पनाह चाहता हूँ आई टेक रेफ्यूज किसकी बिल्लाह अल्लाह सुबहानहु व तआला की पनाह चाहता हूँ मीन शैतान रजीम शैतान लफ्ज़ शैतान जो है ये शतानों से है माखूज जो है ये मुश्तक जो है डिराइव फ्रॉम द शताना शीन तानून शताना के माने वैसे होते हैं अरबी जुबान में किसी चीज़ का ख़तरनाक होना डेंजरस तो इसी वजह से शैतान खुद ख़तरनाक है इंसान जो है उसके उसमें फंस जाता है उसका काम ही ये है कि फंसाया जाए इंसान को राह रास्त से हटाया जाए तो मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ किसे शैतान जो ख़तरनाक है बिल्कुल शैतान जो है उसकी जमा शयातीन है द प्लूरल ऑफ शैतान इज़ शयातीन
किस से अर्रजीम, अर्रजीम के माना क्या है, धुतकारा हुआ, मर्दूद इन इंग्लिश, देयर मेनी रिजेक्टेड, थ्रोन अवे. सो आई सीक रेफ्यूज ऑफ अल्लाह सुबहानहु व तआला, राइट, फ्रॉम इब्लीस, फ्रॉम द डेविल, फ्रॉम शैतान, हु इज rejected, thrown away. Thrown away from what? He's वैसे अर्रजीम का तर्जमा अगर बाईद के माने में आता है, बाईद दूर है, किससे दूर है, अल्लाह सुबहानहु व तआला की रहमत से दूर है. He's far from the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. तो मैं पनाह लेता हूँ अल्लाह की शैतान मर्दूद से, right? I take refuge in Allah subhanahu wa ta'ala from the devil who is rejected. Now, जब कुरान पाक को पढ़ा जाए या नमाज को शुरू किया जाए सना के बाद, तो रूलिंग क्या है इसके मुतालिक, अऊज़ बिल्लाह के मुतालिक, इस्तियादा के मुतालिक. वैसे अबू सईद अल-खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को शुरू करते थे तो कहते हैं इस्तफ्ताहा, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की इब्तिदा जब करते थे या तो वो पढ़ते थे इन्नी वज्जहतु वज्हिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ध हनीफ़न वमा अना मिनल मुश्रिकीन, या फिर सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका वतबारक इस्मुका वतआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक, हमें इस सना से इसको याद करना है, ठीक. फिर वो कहते हैं, अबू सईद अल-खुदरी कहते हैं कि फिर वो कहते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अऊज़ु बिल्लाहि समी अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़खिही व नफ़थिही, कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ समी अलीम, जो हर वक्त सुनने वाला है, हर चीज़ को जानने वाला है, राइट, उसकी पनाह, जो अल्लाह सुबहानहु तआला की पनाह लेता हूँ शैतान मर्दूद से, उसके मिन हमज़िही, उसकी द विस्पर्स, राइट, उसके वसाविस और जितने भी उसके पैंतरे हैं मसलन, उन तमाम चीज़ों से मैं अल्लाह की पनाह लेता हूँ कि मुझे बचाए शैतान मर्दूद से. तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी रिवायत है, इब्न अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक को शुरू करते थे तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से शुरू फरमाते थे. ये असल में आयत करीमा है, अल्लाह सुबहानहु तआला فرماتے ہیں سورة النحل میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, کہ جب تم قرآن پاک کے پڑھنے کا ارادہ کرو, جب تم قرآن پاک کو شروع کرو پڑھنا, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, تو تم اللہ کی پناہ لے لو, مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, شیطان مردود سے. ویسے شیاطین بھی دو قسموں کے ہوتے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالی خود قرآن میں فرماتے ہیں شیاطین الانس شیاطین الجن, दो किस्म के, उसमें एक तो जो हमें नज़र नहीं आता शैतान, और एक इंसान भी शयातीन होते हैं. वैसे खुद अल्लाह सुबहानहु व तआला कुरान में फरमाते हैं, तो शयातीन इंस, ह्यूमन शयातीन जो हैं, उनसे किस तरह पना मांगी जाए, उनसे किस तरह बचा जाए. हर ज़माने में शैतान होता है. वैसे रसूल पाक अबू जहल था, फिरौन था, इस ज़माने में भी बहुत सारे शयातीन हैं, तो उनके साथ किस तरह पेश किया जाए. अल्लाह सुबहानहु व तआला फरमाते हैं खुदिल अफ़ वअमुर बिल उर्फ़ वअअरिद अनिल जाहिलीन, कि उनके साथ तो अच्छाई का सलूक किया जाए. इदफा बिल्लती ही अहसन उस्सैया, इदफा बिल्लती ही अहसन, उनके साथ तो अच्छाई का सलूक किया जाए, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो कुछ नरम हो जाए. लेकिन जो शैतान इब्लीस जो है, उसके साथ किस तरह का मामला किया जाए, अल्लाह सुबहानहु व तआला फरमाते हैं उसके लिए तो अल्लाह की पनाह ज़रूरी है, उसके बगैर काम नहीं चलने वाला. तो अल्लाह सुबहानहु व तआला से बंदा मदद चाह रहा है कि या अल्लाह, मैं कुरान पाक की तिलावत की इब्तिदा करना चाह रहा हूँ, तू मुझे इस बात से बचा कि वो शैतान मेरे काम में दखल अंदाजी फरमाए. इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैह इसका तर्जमा फरमाते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का मतलब यह है कि अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ शैतान से, इस बात से कि वो मुझे दुनियावी या दीनी किसी भी चीज़ में मुझे नुकसान पहुँचाए, या ये कि मुझे अल्लाह सुबहानहु व तआला ने जिस चीज़ का हुक्म फरमाया है मैं उसको न करूँ, या इस बात से कि वो मुझे मेरी तरफ हराम का इर्तिकाब करवा दे, तो मैं इस बात की पनाह मांगता हूँ या अल्लाह कि तू मेरी हिफाजत फरमाए इससे. तो यह है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का मतलब, वैसे ये है, राइट. वैसे दूसरे मकामात पे भी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने का जिक्र आया है, तीन में जिक्र फरमा देता हूँ अभी. जैसे कि दो सहाबी में कुछ झगड़ा हो गया. इज द वॉइस टू लाउड अपस्टेयर्स ऑर इज इट गुड?
it's okay, right? दो सहाबी में झगड़ा हुआ. अब वो झगड़ा जब हुआ उन्हें जब when they started fighting, the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam actually saw and he was nearby. He said, क्या मैं आपको कोई ऐसा जुमला ना बतलाऊं कि अगर तुम उसको कहो तो तुम्हारा गुस्सा चला जाए. तो एक ये था, अऊद बिल्लाह मिन शैतान रजीम. तो इंसान को जब गुस्सा आए तो शैतान की अल्लाह की पनाह मांगे शैतान से, क्या अऊद बिल्लाह मिन शैतान रजीम पढ़ना चाहिए. इसी तरह एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि मैं अभी नमाज शुरू करता हूँ और किरात में अपनी शुरू करता हूँ, कुरान पाक की तिलावत शुरू करता हूँ और शैतान मेरे दिल में वसाविस डालता है. इसी तरह नमाज में इंसान को ये पता नहीं रहता है कभी कभी कि कितनी रकातें पढ़ी. इकाम जब अजान होती है तो बहुत दूर चला जाता है. उसे हदीस पाक में आता है कि तकरीबन 33 से 36 माइल दूर चला जाता है अजान की आवाज़ से. फिर जब अजान ख़त्म होती है वापस आ जाता है. फिर जब इकामा शुरू होती है, जब इकामा तस्वीब उसको इकामा जब कही जाती तो वापस भाग जाता है. फिर जैसे इकामा ख़त्म वापस आ गया. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर नमाज के अंदर इंसान के अंदर वसाविस डालता है कि हयात तक उसको यही पता नहीं होता कि मैंने कितनी रकातें नमाज पढ़ी, दो पढ़ी या चार पढ़ी या तीन पढ़ी, यही पता नहीं होता, उसको भूल जाता है वो शैतान वसवसे की वजह से. यहाँ पे एक इश्काल भी हो ये होता है कि जब इंसान बंदा नमाज पढ़ रहा होता है तब तो कुरान पाक की तिलावत है, ठीक, तो वहाँ पे शैतान कैसे आ गया, इकामा और अजान के वक्त भाग गया. ये भी तो जिक्रुल्लाह है, ये भी जिस तरह अजान और इकामा जिक्रुल्लाह है इसी तरह नमाज भी तो जिक्रुल्लाह है, तो फिर यहाँ शैतान कैसे आ गया. मुहद्दिसीन ने इसका जवाब लिखा हुआ हदीस के ऊपर, ये फरमाते हैं कि जब अजान दी जाती है तो शैतान के ऊपर ये बहुत भारी होता है. एक अजान के कलिमात एक रौब होता है उसका, इट हैज एन आ, राइट, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही बिकम्स वेरी फ्राइटेंड. एज माय टीचर वुड इवन एक्सप्लेन, वो समझाते थे कि अगर इंसान किसी भारी भरकम चीज को उठाए कभी तो कमर तो क्या कभी रीह भी खारिज होती है उसकी. तो शैतान का मस्ता भी यहाँ पे यही है कि जब अजान होती है तो इसके ऊपर इतनी बड़ी है कि वो इतनी भारी हो जाती है. वलहु दरातुन, हदीस में आता है कि ही स्टार्ट्स पासिंग वे, वो भाग जाता है. कुरान पाक जब नमाज पढ़ रहा होता है चूंकि उसमें बहुत सारे हरकत और सकनात सिर्रन होते हैं, साइलेंट, आवाज बावाज बुलंद नहीं होते, तो इस वजह से शैतान मौका पा जाता है कुछ ना कुछ. इस वजह से उलमा फरमाते हैं कि जब नमाज पढ़ी जाए तो कम, उलमा क्या बल्कि सिर की तारीफ ही ये है कि जब इंसान नमाज पढ़ रहा हो तो कम से कम अपने आप को सुन सके. वो अकेले पढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं कि वो बस होंठे हिल रहे हो, कम से कम अपने आप को सुन सकता. जब अपने आप को सुनेगा, वो कुरान पाक को सुनेगा, उसकी आवाज़ कान में पड़ेगी तो उससे फ़ायदा होगा, शैतान के वसाविस कम होंगे. आपने देखा होगा उलमा ने लिखा है कि जैसे जब बच्चा पैदा हो तो सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, फिर उसके कान में अजान दी जाए ताकि शैतान अव्वलन तो आएगा नहीं, शैतान भाग जाएगा उससे, और सबसे पहली चीज़ जो बच्चे के कान में हो वो जिक्रुल्लाह हो, अल्लाह सुबहानहु तआला का नाम हो. तो इस वजह से अजान के ये फजाइल हैं. तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि शैतान नमाज में आते हैं. दरअसल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, उनसे कहा कि अऊज़ बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम, हत्ता कि ख्वाब में भी कभी कभी इस तरह बुरा ख्वाब आ जाता है. तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अऊज़ बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम पढ़ो और तीन मरतबा लेफ्ट बाई जानिब थूक दिया करे, यानी इस तरह. वो पूरा थूकना नहीं है, यानी बस उसके बस नफ़थ कहते हैं उसको, लाइक नॉट इवन स्पिट, बस ये इस तरह करना है, हाँ, थुत्कार करना है, ठीक. तो ये फरमाया, अल्लाह बचा. गुस्से को काबू करने के लिए और भी चीज़ें हैं वैसे, पानी का पीना और मजलिस का बदलना, लेकिन हम उस पर नहीं जाने. तीसरी चीज़ ये कि इसी तरह तीसरी चीज़ मैंने लिखा बदलाना चाह रहा था, मन नज़र मंजिलन. नबी पाक सम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स किसी जगह ठहर जाए, रात में पड़ाव डाले, कहीं पर भी चला जाए रात में सुबह में, होना ये चाहिए कि वो इन कलिमात को पढ़ ले, अऊज़ बिकलिमातिल्लाहि तामाति मिन शर्रि मा खलक. इन कलिमात को अगर पढ़ लेगा तो जब तक वहाँ पे रहेगा शैतान उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा. तो अल्लाह की पनाह मांगना, अऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. तो ये हम जब जिक्रुल्लाह शुरू कर रहे हैं, अल्लाह सुबहानहु व तआला का कलाम, जो कलाम जब उसकी किरात को शुरू करें तो अल्लाह की पनाह इसलिए मांगी जा रही है ताकि हमारे दिल में वो वसाविस न डाले और हमारा जहन कहीं और मुंतशिर न हो जाए.
तो इब्तिदा होनी चाहिए किसे? आऊद बिल्लाह मिनशन रजीम। जब तिलावत शुरू करें तब भी पढ़ना है आऊद बिल्लाह मिनशन रजीम, और जब नमाज में शुरू करें हम तब भी आऊद बिल्लाह मिनशन रजीम पढ़ना है। अब ये दूसरी बात यह है कि हर नमाज में हर रकात में पढ़ना है या नहीं, उसमें थोड़ा इख्तलाफ है। एक कौल यह है कि पहली रकात में पढ़ लेना काफ़ी है, दूसरा कौल यह है कि हर रकात के शुरू में पढ़ा जाए। ठीक, अच्छा ये था इस्तियादा के मुतालिक थोड़ी सी बात मैं कहना चाह रहा था। उसके बाद हम जाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वैसे दिखने में हमें लगता है कि चार कलिमात हैं सिर्फ, बिस्म अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, वैसे चार नहीं है ये पाँच है। वैसे बा इट्स अ प्रेपोजिशन, इसको हम हर्फ़ जर कहते हैं वैसे, इन इंग्लिश इट्स कॉल्ड अ प्रेपोजिशन राइट। सो बा हर्फ जर अलग, इस्म एक अलग, अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, ये पाँच कलिमात हो गए, फाइव वर्ड्स हो गए। ठीक है, बा के मुख्तलिफ मानी है वैसे अरबी जुबान में, बड़ी रिच लैंग्वेज है, हमारी इंग्लिश की तरह नहीं है कि हर एक के लिए अंकल राइट। बा के तकरीबन उलमा ने लिखे हैं कि भूल गया, लेकिन तकरीबन मोर देन 12 मीनिंग्स जस्ट द वर्ड बा। यहाँ पे जो हम लोग तीन मानी उसमें ये हो सकते हैं, बा एक तो होती है इस्तियानत के लिए, एक होती है मुसाहबत के लिए, एक होता है तबर्रुक के लिए। यहाँ पे इन तीनों मानी का एहतमाल है यहाँ पे, और बल्कि तीनों मानी मुराद भी हैं यहाँ पे। मुसाहबत का मतलब होता है विथ, साथ राइट। इसको तो ये हो गया, पहला था मुसाहबत के लिए, अब उसको उर्दू में कह सकते हैं कि मुत्तसिल होना, अटैच्ड राइट, मुसाहबत। दूसरा मानी है इस्तियानत के, इस्तियानत का मतलब मदद, हेल्प, असिस्टेंस राइट। तीसरा माना है उसके बाकी है तबर्रुक के, ब्लेसिंग्स विद द बरका। तो मतलब क्या होगा, इस्म का मतलब है नाम, ठीक है, इस्म इसका मीनिंग है नाम। अल्लाह, ये इसकी तशरीह करने की मुझे ये ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन याद रखें लफ्ज़ अल्लाह जो है, इट इज़ कंसेंसस ऑफ उलमा दैट इट इज़ द नेम ऑफ गॉड राइट। अल्लाह का ना कोई तस्निया है ना कोई जमा है, अल्लाह का ना कोई तस्निया है ना प्लूरल, नाइदर टू ऑफ इट राइट। उसके बाद है अर्रहमान और अर्रहीम, मैं बात तर्जमा बाद में कर लूँगा, पहले ऐसे अर्रहमान और रहीम समझ लें। अर्रहमान और रहीम ये दोनों लफ्ज़ जो हैं मुश्तक है रहमत से। अरबी ज़ुबान में एक बात याद रखें आप, दो चीज़ें याद रखें आप, एक है कि हर लफ्ज़ का कोई ना कोई मुश्तक होता है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम समथिंग राइट, उसका रूट होता है कोई ना कोई, इट हैज़ अ रूट नंबर वन। नंबर टू, अरबी ज़ुबान में ख़ास पैटर्न्स होते हैं, इट हैज़ सेगे उसके होते हैं, वज़न के एतबार से, सेगे के एतबार से उसके मानी में फ़र्क हो जाता है। जैसे कि मसलन एक कोई माना ले लें हम, मेरा नाम ही ले लूँ मैं उसमें, जुनेद, ये तस्गीर के, तो इसमें इसको कहते हैं तस्गीर के माने में ये होगा कि किसी चीज़ का एक हिस्सा छोटा सा या कुछ ना कुछ, एक वन पार्ट ऑफ समथिंग। अफजल जैसे कि कलिमा है अफजल, लफ्ज़ अफजल, उसमें अफ़ालु तफ़ज़ील कहते हैं, फजीलत के माने होते हैं उसमें। ठीक है, बहुत सारे हर कलीमे ताज्जुब का कोई कलीम के वज़न पे होता है, उसके मानी में ताज्जुब के। रहमान जो है अला वज़्न फ़ुअलान, उसके इस वज़न में पैटर्न, इस ये पैटर्न पे इसके मानी में अबंडेंस का माना होता है, कसरत का। और रहमान का मतलब होगा हु इज़, इट्स टॉकिंग अबाउट बेसिकली द मैग्नीट्यूड, द ग्रेटनेस। रहमान यानी अल्लाह सुबहानहु व तआला की रहमत जो है आम है बिल्कुल, ठीक है। और अर्रहीम जो है इस माने फ़ाइल उनके वजन पर ये देंगे हमेशा के माने में आता है। तो रहमान का वजन जो है ये माना अबंडेंस के देता है, रहीम उन ये वजन जो है ये देता है किस चीज़ के माना देता है, करीमुन फ़ाइलुन, ये माना देगा कांस्टेंट के। तो अर रहमान जिसकी रहमत जो है हर शख्स को आम है, हर कसो नाकस के लिए बिल्कुल आम। अर रहीम इट्स कांस्टेंट आल्सो। तो एक तो मीनिंग ये हो गया, रहमान इज टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड बेसिकली द ग्रेटनेस, एंड अर रहीम इज टॉकिंग अबाउट द कंसिस्टेंसी राइट। एक तो तर्जमा इस तरह होगा, दूसरा रुख उसका ये है जिसको कादी बैदावी रहमतुल्लाही अलैह वगैरह ने नकल किया है
कि अर्रहमान मुस्लिम और गैर मुस्लिम, मुसलमान गैर मुसलमान, हर एक को आम है बिल्कुल ये, और रहीम जो है ये खास है मुमिनों के लिए. अल्लाह सुबहानहु व तआला ने कुरान पाक फरमाया बिल मुमिनीना रऊफुन रहीम. तीसरा माना उसके रहमान जो है, इसकी सिफत रहमत और मर्सी जो है दुनिया और आखिरत दोनों के लिए बिल्कुल बिल्कुल आम है बिल्कुल, और रहीम इट्स रिजर्व्ड फॉर द आखिर. चौथा उसका यह है माने में कि रहमान, दूसरी बात याद रखने के लिए, रहमान का लफ्ज जो है सिर्फ और सिर्फ खास है किसके लिए, अल्लाह सुबहानहु व तआला के लिए. यानी लफ्ज रहमान अल्लाह के अलावा किसी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता. कुल दुअ अल्लाह अव दुअ अर्रहमान, या तो तुम अल्लाह को बुलाओ अल्लाह करके या रहमान, अल्लाह का नाम है बिल्कुल. सो किसी को रहमान हम नहीं कह सकते, अब्दुर्रहमान तो कह सकते कि भाई अल्लाह रहमान का बंदा अब्दुर्रहमान. सो अर्रहमान रहमान सिर्फ अल्लाह सुबहानहु व तआला के लिए इस्तेमाल होगा, न कि उसका तस्निया है न कोई जमा है, ये भी याद रखें. इसी तरह रहमान की जिस तरह अल्लाह था इसी तरह रहमान है. रहीम जो है वो इस्तेमाल भी होता है बंदों के लिए भी. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल हुआ है बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, कि जो है वो मोमिनीन के ऊपर बिल्कुल मेहरबान है. इसी तरह सहाबा के बारे में अल्लाह सुबहानहु व तआला ने फरमा रुहमाउ बैनहुम, वो आपस में बिल्कुल जो है एक दूसरे के लिए वो सबब रहमत और मुश्तफिक हैं एक दूसरे के लिए बिल्कुल. राइट, दे आर वेरी काइंड एंड जेनरस एंड वेरी मर्सीफुल टुवर्ड्स वन अनदर. तो रहीम का लफ्ज़ तो इस्तेमाल होता है. सो अलबत्ता बहरहाल ये मतलब समझ में आ रहा है कि रहीम किसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर चाहे औला तो यही है कि हम अब्दुर रहीम कहें, रहीम का बंदा, लेकिन किसी के लिए अर रहीम नहीं कह सकते हैं. अर रहीम कॉन्स्टेंटली रहमत, वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है. हाँ रहीम कहे वो ठीक है, ये भाई इसके अंदर रहमत पाई जाती है, वो हो सकता है कि ये किसी के ऊपर उस आदमी की कंसिस्टेंसी के रहमत हो, इट्स बिल्कुल कॉन्स्टेंट किसी के ऊपर कंटिन्यूसली हर वक्त वो शफकत करते रहता हो, ये मुमकिन है. लेकिन रहमान हर किस के लिए आम, हर एक के लिए रहमत बिल्कुल आम, वो किसी वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है सिर्फ. तो रहमान अल्लाह के लिए, रहीम इस्तेमाल हो सकता है. तो तर्जमा क्या होगा इसका, बाकी इसका तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा होगा इन द नेम ऑफ अल्लाह, विद द नेम, विद द नेम, इन द नेम, विद द हेल्प, राइट, विद द असिस्टेंस ऑफ अल्लाह सुबहानहु व तआला. Right, I start in the name, with the help and with the name of Allah, who is constantly and Rahim, who is constantly merciful and who is always merciful. Always merciful. Rahim ka tarjama ho jayega, Ar-Rahman ka tarjama ho jayega, whose rahma is spread for everyone. Jo har ek ke liye रहमत का सबब है, रहमत का बाइस है, और उसकी रहमत जो है हर वक्त है. तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ये तर्जमा होगा कि मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम करने वाला है. ठीक, अच्छा, अब दूसरी बात ये याद रखें, आई जस्ट वांट टू नो कुछ छूट नहीं जाए उस. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है ये पूरे दिन का खुलासा है. वैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पूरे दिन का खुलासा है. बिस्मिल्लाह, अल्लाह जो है अल-माबूद बिहक, कि भाई इबादत करनी है, बंदगी के अगर कोई लायक है तो वह अल्लाह सुबहानहु व तआला की ज़ात. तो बंदगी के लायक कौन है, अल्लाह सुबहानहु व तआला. एक तो आधा हो सके भाई इबादत होगी तो अल्लाह ही के लिए होगी. और रहमान, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो अल्लाह सुबहानहु व तआला दरगुजर करने वाला है, अल्लाह सुबहानहु व तआला माफ़ कर देगा इंशाअल्लाह. और हमें इस बात का सबक मिल रहा है रहमान रहीम से कि हम पर कोई अगर ज्यादती कर ले तो हम भी क्या करने वाले बन जाएं, रहम यानी हम भी माफ़ करने वाले बन जाएं. यह दीन का खुलासा कि भाई रहमान की इबादत करो, अल्लाह सुबहानहु व तआला की इबादत करो. मेक योर सेल्फ गुड, मेक योर कैरेक्टर्स गुड, एंड एट द सेम टाइम इफ यू मेस अप रिपेंट टू अल्लाह, एंड इफ वन इफ समवन डज अगेंस्ट यू एनीथिंग you also be merciful to them. This is the khulasa of our deen. Right? Worship Allah subhanahu wa ta'ala, be a good person. So this whole deen ka khulasa ho gaya waise. Bismillahirrahmanirrahim. Ab aage ek baat ye hai ki Bismillahirrahmanirrahim kya ye Quran Pak ki har surat ka juzw hai? Kya ye Quran Pak ki ayat hai ya har surat ka juzw hai ya is just an introduction in the surah?
तो उसमें उलमा का इत्तेफाक है कि सूरह नमल में जो बीच में है इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर सूरत के दरमियान में है, यानी सूरत के अंदर है इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये तो सूरह नमल, ये तो कुरान पाक की एक आयत भी है, यानी सूरह नमल की एक आयत है। इट इज वन ऑफ द आयत्स ऑफ द कुरान एंड सूरह नमल। दूसरी जगहों पे जो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है हर सूरत के, हम सूरह फातिहा की बात अभी नहीं कर रहे हैं, उसको बाद में करूंगा इंशाल्लाह, दूसरी सूरतों के मुस्लिम, तो उलमा का इस बात पर भी इत्तेफाक है। इट्स कुरान पाक का तो जुज्व है, कुरान पाक का तो वो एक जुज्व है, सूरत का जुज्व नहीं है। कुरान पाक का जुज्व है, सूरत का जुज्व नहीं है। इट्स लाइक एन इंट्रोडक्शन इन द बिगिनिंग, इट्स अ प्रीफेस बेसिकली, राइट। तो लेकिन क्या हमें बिस्मिल्लाह से शुरू करना है? ये बात है जरूर कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी शुरू करते थे कुरान पाक की तिलावत, मोर देन 100 रिवायत्स, देयर इज अहदीस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से इब्तिदा करते थे। अच्छा, अब बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के बारे में कुछ फजाइल भी बयान करना चाह रहा था, ये अजीब गरीब ये हैं उसकी। दूसरी बात याद रखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल्लु अम्रिन दीबालिन لم يبدا بسم الله الرحمن الرحيم فهو اقطع او ابتر او كما قال عليه الصلاه والسلام هر وہ کام عظیم الشان کام a major task anything big you're starting you are willing to do and you start without the name of Allah subhanahu wa ta'ala it's incomplete kamil nahi hai naqis rahega isse kya sabak milta hai hame ki har kaam ke shuru se pehle hame bismillahir rahman नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देख लें आप, घर में एंटर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, गाड़ी में हम लोग हमारे लिए वो तो सवारी पे थे घोड़ा या जो भी, हमारे लिए गाड़ी शुरू कर रहे हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, दरवाज़ा खोल रहे हैं घर का, बाहर जा रहे हैं खाना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सोने से पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह का जिक्र जब आ जाता है शैतान दाखिल नहीं होता। तो हर चीज़ के शुरू में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू करने से पहले अल्लाह का नाम ले लिया जाए। अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाह, लफ्ज़ बिस्मिल्लाह यानी इतना ही, बिस्मिल्लाह इन्नहु शिफाउन मिन कुल्ली दा वा उनुन अला कुल्ली दवा, कि ये इट्स अ क्योर फॉर ऑल सिकनेस, एक तो शिफा है तमाम बीमारियों के लिए, वा उनुन अला कुल्ली दवा, और ऑल्सो इट्स एन असिस्टेंस एंड हेल्प फॉर ऑल टाइप ऑफ फॉर ऑल द रेमेडीज। तो आप जो भी दवा भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी ट्रीटमेंट भी इस्तेमाल कर रहे हैं आप, उसके उसमें भी फायदा वो खुद किससे होगा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से। व अम्मर रहमान, लफ्ज़े रहमान, फहुवा आउनुन लिकुल्ली मन आमन बिही, इट गिव्स स्ट्रेंथ टू ऑल ऑफ दोज हु बिलीव इन अल्लाह सुभानहू व तआला, ये ताकत देता है, मजबूत करता है इंसान, हु गिव्स स्ट्रेंथ टू दोज हु बिलीव्स इन अल्लाह सुभानहू व तआला, व हुवा इस्मुन लम युसम्मा गैरुहु, और अल्लाह के अलावा किसी का नाम نعم. It's a very unique name. It is only for Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَمَّا الرَّحِيمُ فَهُوَ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا. اور رحیم میں ہمارے لئے اس بات کا اشارہ ہے, تذکیر ہے ہمارے لئے. It's an indication for us that at the same time, believe in Allah subhanahu wa ta'ala. And if we mess up, tawbah, sincerity and repentance to Allah subhanahu wa ta'ala and doing good deeds and forgiving others at the same time. This is what Bismillahir Rahmanir Rahim is. It boosts a person, basically, right? उसके बाद हम चलते हैं इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद सूरे फातिहा की तरफ इंशाअल्लाह। सूरे फातिहा इसमें आयतें कितनी है वैसे पहले? There are 7 आयत्स। अल्लाह सुबहानहु व तआला ने कुरान में ही फरमा दिया वस्सबउ अल-मसानी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारी अहादीस में फरमाया कि इसकी 7 आयतें हैं, राइट। सबअल मसानी का मतलब होता है द ऑफ्ट रिसाइटेड वर्सेस, मुकर्रर पढ़ी जाने वाली आयतें, हर नमाज में पढ़ी जा रही सूरतुल फातिहा 7 आयतें जो है। अच्छा, इख्तिलाफ किस बात में है अब, लेकिन कि पहली आयत सूरतुल फातिहा की क्या है वैसे? 7 तो हैं, लेकिन कौन सी 7? कुछ सहाबे रिदवान कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, इसी तरह अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु तआला अन, उनका कौल यह है कि पहली आयत सूरतुल फातिहा की बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है।
Number two, Ar-Rahman, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Number three, Maliki. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ye panchvi ho gayi. Number six, Ihdina siratal mustaqim. Number seven, siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wal dhalin. Ye saat ayat. Lekin jamhur a'imma jisme Imam Ahmed bin Hanbal, Imam Malik aur Imam Abu Hanifa aur isi tarah aksar sahaba ridwanullahi alaihim ajma'in jisme Abu Bakr Umar radhiyallahu ta'ala anhu aur jinke aqwal hain wo ye hai ki pehli ayat suratul Fatiha ki hai alhamdulillahi rabbil alamin. Ab saat kis tarah hai lekin alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman ar-rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Number 5, ihdinas siratal mustaqim. Number 6, صراط الذين أنعمت عليهم. یہ ایک آیت ہے. غیر المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ آیت نمبر 7 ہے. اسی وجہ سے بہت سارے مصاحف میں آپ دیکھیں گے لکھا ہوگا صراط الذين أنعمت عليهم کے بعد اردو یا عربی میں 5 جس طرح لکھتے ہیں ہم 5 سائن. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف فی. اس میں اختلاف ہے علماء امت کا کہ یہ آیت ہے پوری یا دو ہے. اسی طرح قرآن میں اور بھی دیگر آیتیں ہیں اس میں جس میں صحابہ کے اختلاف تھا کہ یہ پوری آیت ہے یا اس کے دو حصے ہیں. بہرحال ہم بسم اللہ کو شمار کریں یا نہ کریں لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ ہم اس کو شروع کرنا چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تاکہ تمام علماء کے اقوال پر ہمارا عمل بھی ہو جائے اس کے ساتھ. تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قول پر ہمارا عمل ہو جائے. تو ہم شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے Before I start actually Surah Al-Fatiha, yaad rakhein Surah Al-Fatiha, just as an overview of Surah Al-Fatiha. Surah Al-Fatiha jo hai, waise pure Quran-e-Kareem ka nichod. It's a summary, it's the essence of the Quran. Surah Al-Fatiha. Allah subhanahu wa ta'ala ne, iske ye surah itni jame hai, کہ اس میں بہت ساری چیزیں بیان فرما دی. اگر ہم یعنی بیان کرنا بل حل تاکہ علماء نے لکھا, اگر کوئی شخص اس کی تفسیر ڈیٹیل میں کرنا چاہے تو قیامت تک کر سکتے ہیں. ویسے اتنی گہرائی ہے اس میں, رائٹ. اس میں تو پہلے اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بتلا دیا گیا کہ اللہ کون ہے. الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ when we come to the ayahs we'll explain more. عبادت کے بارے میں بتلا دیا گیا اس میں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. آخرت کے بارے میں بتلا دیا گیا, مالک یوم الدین. اسی طرح ہدایت کے بارے میں بتلا دیا گیا کہ ہدایت ہوگی تو وہ صرف کس سے ملے گی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اور ہدایت کی ضرورت بھی انسان کو اہدن الصراط المستقیم میں بتلا گیا. لوگوں کی کوالٹیز بھی بتلا دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, جو کچھ ایسے تھے جن پر اللہ کا انعام تھا اور راہ راست پر تھے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوبی سے یہ بتلا دیا, کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو راہ راست سے ہٹے ہوئے تھے, جو اگنورنس, دے ور سٹبرن آلسو. اور کیوں تھے؟ اللہ سے پناہ بھی مانگ لی جائے اس بات سے کہ اللہ ہمیں بچایا جائے ان چیزوں سے. تو ایک پورا نچوڑ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بیان فرمایا سورہ فاتحہ میں پورے قرآن پاک کا. اب سورہ فاتحہ نام بولتے رہے ہیں سورہ فاتحہ, قرآن دوسرے واقعی سور یاد رکھنے. قرآن پاک کی جتنی بھی سورتیں ہیں ان کے نام جو ہیں اس کے کچھ طرق ہیں. ویسے کس طرح نام بنے ہوئے ہیں اس کے؟ نمبر ون, یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو نام دیا. اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کے لیے فرمایا سورۃ الفاتحہ, فرمایا سورۃ البقرہ کو نام دیا یہ سورۃ البقرہ. اسی طرح اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاخلاص کے بارے میں قل ھو اللہ احد کے اس کو نام دیا سورۃ الاخلاص نام دے دیا. سورۃ الکہف اس کو کہف کا نام دیا ہے. تو بعض نام تو جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود دیے ہوئے. جزاک اللہ خیر, ماشاء اللہ. سو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نام تو دیے. تو ایک تو طریقہ یہ تھا کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے. کچھ صورتوں کے نام جو ہیں بعد میں ائمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے انتخاب کیے, اس کی تھیمز, دا اسٹوریز, دا ٹاپک,
उनको डिसाइड करते हुए, जैसे कि ताहा, बस एक ही सूरत है जो ताहा से शुरू हो रही है तो उसको नाम दे दिया गया ताहा। यासीन, इसी का भी इसी तरह का मसला, यासीन नाम दे दिया गया, वो यासीन से शुरू हो रही है। सूरत सजदा, भाई उसमें सजदे की आए थे तो देख दिया गया अल्लज़ी ज़ुकिरा फ़ीहि सजदा, तो सूरत सजदा नाम दे दिया गया उसको। तो बास तो थीम्स, टॉपिक्स या किसी स्पेशल वाक़े की तरफ इशारा करने के लिए उस चीज़ को, उस सूरत को उसका नाम दे दिया गया। इसी तरह फिर दूसरा तरीका जो था, तीसरी चीज़ यह है कि बहुत सारी सूरतें जो हैं उनके मल्टीपल्स नाम हैं, दे हैव एक से ज़्यादा नाम हैं उनके, जैसे सूरह तब्बत यदा अबी लहब, उसको सूरह लहब से भी याद किया जाता है, सूरतुल मसद से भी याद किया जाता है, इदा जाए उसको सूरह इदा जा भी कहते हैं, सूरतुल नसर भी कहते हैं, राइट। इसी तरह सूरतुल फातिहा को देख लें, सूरतुल फातिहा के बहुत सारे नाम हैं, और कसरतुल असामी तदुल्लु अला अज़मती, अरबी का कायदा ये है कि जिस चीज़ के और जिस शख्स के, किसी चीज़ के ज़्यादा नाम हो तो उसकी शराफत और उसकी अज़मत के ऊपर दार होती है कि भाई इसके इतने सारे नाम। अरब में ये रिवाज था कि किसी को इज़्ज़त देनी हो तो उसको मुख्तलिफ नाम से बुलाते थे कि भाई उसका नाम मसलन अब्दुल्ला है, उसके बेटे का नाम मोहम्मद है तो कहेंगे अबू मोहम्मद अब्दुल्ला इब्नु फलां का बेटा, तो मुख्तलिफ नाम देते थे उसको भाई उसकी शराफत के लिए, उसको टू मेक हिम लुक हाई एज अ लीडर इवन, राइट। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे नाम थे, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, अल्लाह सुभानहू व तआला कितने बयान फरमाए, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, राइट। तो शराफत के लिए और किसी चीज़ की अजमत बयान करने के लिए उसके नाम ज़्यादा होते हैं। सूरतुल फातिहा के अल्लामा क़ुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैहि दीगर मुफस्सिरीन ने लिखा, उसके 12 नाम आए हैं वैसे अहादीस में। पहला नाम तो एक आया है सूरतुल फातिहा का, अस्सलाम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुसिमत सलातु बैनी व बैन अब्दी निसफैन, कि सूरतुल फातिहा जो है बल्कि एक एक दुआ है, इट्स अ सप्लिकेशन बिटवीन मी एंड माय सर्वेंट्स, आदि जो है लिनिसफी, आदि जो है वली अब्दी मेरे बंदे के लिए और आदि जो है मेरे लिए। तो उसमें आदि में तो अल्लाह सुबहानहु व तआला के मुतालिक बयान फरमाया, और आदि जो है बंदे की चाहत और बंदे की जो दुआ थी उसके मुतालिक बयान फरमाया। तो एक नाम तो उसका है अस्सला, एक नाम है सूरतुल फातिहा का अलहम्द, सूरतुल हम्द, चूंकि वो हम्द यानी तारीफ अल्लाह सुबहानहु व तआला की तारीफ से शुरू होते, उसको नाम रख दिया अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सूरतुल हम्द। एक नाम है उसका फातिहतुल किताब, चूंकि कुरान पाक की इब्तिदा जो हो रही है वो सूरतुल फातिहा से है, फातिहा का मतलब है ओपनिंग, तो दिस इज द ओपनिंग चैप्टर ऑफ द कुरान, इस वजह से उसका नाम है फातिहतुल किताब। इसी से ये भी याद आया अभी मुझे कि दूसरी जितने भी सूरतें हैं, जैसे इकरा बिस्मी है सूरत अल-अलक, हम ये तो जानते हैं कि सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई वो इकरा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक है सूरत अल-अलक, लेकिन वो मुकम्मल नाजिल नहीं हुई थी। इसी तरह सूरत अल-मुद्दस्सिर, ये पहले नाजिल हुई है नंबर टू पे, या अय्युहल मुद्दस्सिर, तीन साल का फतरा रहा, तीन साल का गैप रहा सूरत इकरा बिस्मी और पहली वही और या अय्युहल मुद्दस्सिर दूसरी वही के दरमियान, तीन साल का गैप रहा। या अय्युहल मुद्दस्सिर ये भी पहले नाजिल हुई है, उसके बाद या अय्युहल मुज़म्मिल, ये सब इब्तिदा में नाजिल हुई लेकिन पूरी नाजिल नहीं हुई थी। सूरतुल फातिहा वो पहली सूरत है जो पूरी की पूरी नाजिल हुई थी, तो दिस इज द फर्स्ट सूरा दैट वाज रिवील्ड कंप्लीटली। उससे ये भी याद आ गया कि बाज आयत कुरान पाक की तो ऐसी हैं, चलो वो कभी शान नुज़ूल वगैरह जब आएंगे तो बात करेंगे, वरना फिर बात कहीं और चलेगी। नंबर फोर, चौथा नाम उसका यह है उम्मुल किताब, उम्मुल किताब, नंबर फोर। नंबर फाइव उम्मुल कुरान, किताब की असल, कुरान पाक की असल, कुरान पाक की असल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी तरह कुरान पाक में भी आया, हुन उम्मुल किताबी, इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मुल कुरान फरमाया उसको। नंबर सिक्स अल-मथानी, हिय सबउ अल-मथानी, कुरान पाक में फरमाया वल कुरान अल-अज़ीम। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरह फातिहा को नबी अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलग से बना, ये सबउ मसानी, सेवन ऑफ्ट रिपीटेड वर्सेस एंड कुरान अल अज़ीम, इसकी ये बयान करने के लिए कि कुरान पाक का खुलासा जो है सूरतुल फातिहा है। और याद रखें कि सूरतुल फातिहा का खुलासा और एसेंस है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नंबर सेवन अल कुरान अल अज़ीम। नंबर एट अश-शिफा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिहतुल किताबी शिफाउ मिन कुल्ली दा,
कि सूरत अल फातिहा जो है वो शिफा है, इट्स अ क्योर फ्रॉम ऑल ऑल सोर्स ऑफ सिकनेस. अबू सईद अल खुदरी रजी अल्लाह तआला अनहु गए और एक जगह तो वहां के लीडर को किसी बिच्छू ने दस लिया. अब वो लोग तलाश कर रहे थे कि कोई मिल जाए जो उसका यानी उसकी तदबीर कर सके, उसको ट्रीटमेंट कर सके. अबू सईद अल खुदरी, एक काफिला था मुसलमानों को जो जा रहा था, तो उनमें से अबू सईद अल खुदरी रजी अल्लाह अन्हु गए और कहा कि मैं करूँगा. उन्होंने सूरत अल फातिहा की तिलावत फरमाई 7 मरतबा और उससे उन्होंने दम किया, उसको फ़ायदा हो गया. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फिर गए, वो कहा कि तुझे कैसे बतला दिया, हम रुक ये तो बिल्कुल क्या है, उससे अगर कोई शख्स बीमार हो उसमें भी शिफा है. तो हमें याद रखना चाहिए कि अगर बीमारी में भी कुरान पाक याद रखें, पूरा का पूरा शिफा है. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء, अल्लाह सुभान व तआला ने फरमाया कि قل هو للذين آمنوا, ये कुरान पाक जो है ईमान वालों के लिए, मोमिनों के लिए हुदन नंबर वन गाइडेंस व शिफा और शिफा, इट्स अ क्योर. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين, और हम कुरान पाक को नाजिल करते हैं जो कि मा हुआ शिफा उन, जो कि क्योर है, शिफा है मोमिनों के लिए, और इट्स अ means of mercy, it's also mercy for the believers, right? To ek to shifa hai, to Quran Pak mein aur Surah Al Fatiha mein shifa hai. Agar koi shakhs bimar ho jaye to 7 martaba padh ke dam kar le us apne par, pani mein phook ke pi jaye, inshaallah fayda hoga, usme koi khali nahi hai. Isi tarah asas bhi naam hai uska, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala nu farmate hain asasul kutubi al Quran, ke tamam kitabon कि बुनियाद और असल और दी एसेंस वो क्या है, कुरान है. जितनी भी किताबें नाजिल हुई, सूरत तौरात हो, इंजील हो, ज़बूर हो, उनकी एसेंस इज और दी एसेंस ऑफ ऑल ऑफ देम इज द कुरान. इन फैक्ट देयर इज अ नरेशन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज के इंजील या तौरात या ज़बूर में कोई भी सूरत सूरतुल फातिहा के लेवल की नाजिल नहीं हुई. This is one of the virtues of Surah Al-Fatiha, ke usme it is a book of Allah subhanahu wa ta'ala. Definitely the Tawrat and Injil are worth of respect because they're worthy of respect. It is a book of Allah subhanahu wa ta'ala. But Surah Al-Fatiha ke level ki koi surat usme nazil nahi hui. Wa asas al-Qur'an al-Fatiha, aur Qur'an Pak ka essence Surah Al-Fatiha wa asas al-Fatiha bismillahir rahmanir rahim. Number 11, al-Wafiya, it is complete. Number 12, Al-Kafiya, it is sufficient. So, ye 12 naam Surah Al-Fatiha ke waise bayan farmaye. Maine ek virtue to bayan farma diya abhi aapke samne ke bhai is tarah ke to the level of that of Surah Al-Fatiha koi surat nazil nahi. So, we can understand the greatness and the importance of Surah Al-Fatiha, that it is very yani iski khasiyat hum isse pata chalti hai ki kutub sabiqa mein aur Quran Pak mein is jaisi koi surat nahi hai. हर नमाज में रिपीट की जाएगी, हर रकात में रिपीट की जाएगी, इससे पता चलता है इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में. अबू सईद अल खुदरी मुअल्ला रजी अल्लाह तआला अनु फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लो अल्लिमनक सूरतन कम तुमे ऐसी शल आई नॉट शो यू शल आई नॉट टीच यू अ सूरा ही आज़म सूर फिल कुरान व सबसे इट इज द ग्रेटेस्ट सूरा ऑफ द कुरान एंड ही सेड यस सबअ अल मसानी वल कुरान इट इज द 7 ऑफ्ट रिपीटेड वर्सेस. इसी तरह मैंने बतलाया आपको कि शिफा भी है उसमें, और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं. इंशाल्लाह विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन इंशाल्लाह. उसके बाद हम चलें इंशाल्लाह सूरतुल फातिहा की इब्तिदा कर लें कम से कम. पहली आयत है अल्हम्दु लिल्लाही रब्बिल आलमीन. एक होता है फ़ैल, एक होता है इस्म, नाउन एंड अ वर्ब. अरबी जुबान में खासियत क्या है, अल्हम्दु इट इज़ अ नाउन. अरबी में खासियत यह है कि नाउन ये तो न मुज़क्कर होता है न मुअन्नस होता है, न किसी ज़माने के साथ खास होता है, राइट. तो बतलाना क्या चाह रहा हूँ मैं, एक बात तो ये हो गई, ठीक है. दूसरी बात अल, इसको कहते हैं अलिफ़लाम इस्तिग़राक. अलिफ़लाम इस्तिग़राक का क्या मतलब है, हर चीज को इहाता की ओर. तो अल्हम्दु का सही तर्जमा वैसा क्या होगा, पहले हर हर फर्द हम्द अज़ुबान हर हामिद मिनल अज़ली इलल अबद मुख्तसम बिल्लाही सुबहानहू
wa ta'ala. Either I praise, either you praise, either we praise, she praises, he praises, they praise in the future tense, past tense, praised. Also, it's not it's not restricted to a time, right? So does not matter when they praise, the time, who praises, any time. It is any time anyone praises Allah. It is for, it's who's worthy of it? It's only and only Allah subhanahu wa ta'ala. So you see, wajah se hum tareef, jab tarjama karte hain, tamam tareef. Koi bhi tareef. Dusri baat yaad rakhiye, abri zuban mein farq hota hai madh aur hamd mein. Madh is like compliment. Alhamdu mein khasiyat ye hai ke madh is, ab kisi ki, you're complimenting someone, but it doesn't have to be that person is worthy of it also. Right? Alhamd, do cheez hai usme. Number one, he is worthy, and is it's on his own accord. It's voluntary. It's voluntary. Right? Ab koi misal ke taur par koi shakhs lamba ho, to you can say, MashaAllah, bade lambe aadmi hai. It's a mad. It's a compliment. Usme unhone koi khas kaam to nahi kiya uske liye. Right? He, it's a compliment. There's no. It's not alhamd. It's not praise. Now, at the same time, you may be complimenting just to be polite, you know, just to be, you know, kisi samne wale ko bura na lag jaye, so you compliment. Maybe he's not worthy of it, right? Ah, mashallah, aapki ye kisi ko kahe, aapki bahut achhi lag rahi hai, gaadi bahut achhi lag rahi hai, and you're, you know, you don't want someone feel too bad, feel bad, you're saying it, right? But in reality, you find out your heart has something else. So one is the person has to be worthy of it. It has to be on his own accord. And only Allah subhanahu wa ta'ala has that. Right? So alhamdu ka matlab ho, maine jo bayan farmaya ke all praise har har fard hamd az zuban har hamid min al azali ila al abad mukhtassum billahi subhanahu wa ta'ala. Kiske liye khas hai? Allah subhanahu wa ta'ala ke liye khas hai. Alhamdu lam jo hai uske baad lam, ye lam jo hai, it comes for istihqaq, lam tamlik ke liye aata hai, ownership. Praise, not only he's worthy, he owns it. It belongs to him. That's why what we translate, all praise belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam tarif hai Allah ke liye. It belongs to him. Alhamdulillahi Rabb. Rabb ke kya maana? Hum uska tarjuma ek to karte hain ke bhai, you know, palanhar kar liya, but Rab ka matlab, he is the nurturer, he is the nourisher, he is the creator. He, it's like a person when he, like, you know, it's just that Arabic mein kaha jata hai rabbul mal rabbul bait, insaan ek ghar banata hai, or he takes care of it, he protects it, aur har cheez uski ye karta hai, mal invest karta hai wo. He protects it, he secures it, and when he gets a return, he invests again. So puri uski dekhbhal karta hai. Allah subhanahu wa ta'ala isi tarah, he rabbul alameen, he is the creator, he is the nurturer, he is the nourisher. Alhamdu, tamam tarif hai us Allah ke liye, jo al-alam, sare jahano ka palanhar hai, parwardigar hai. Al-alam, al-alam, ye iska matlab waise, al-alam, it's a Urdu mein isko alama se hai, sign. Usse bahut sari cheezein samajh mein aati hai hamari. Ek to al-alam, Arabi zuban mein waise, her species ke liye ek alam ka lafz istemal hota tha. Alamul nabatat, alamul jamadat, the species of plants, species of animals, a realm, that's a dimension, right? A universe, al-alam in tamam cheezon ko muhit hai bilkul. Iske maana har cheez mein aa jayenge, right? Al-alam, isi tara, alama se makhud ka matlab, ye sign hai, it's a sign, it's a symbol, it takes a person, it teaches a person that everything that exists over here, it takes him that there is a creator for it. Ek alamat hai. Allah subhanahu wa ta'ala ne zameen banayi, aspan banaya. Ye sab cheezein alamat hai, le jati hai bande ko is baat ki taraf ki iska koi creator hai. There is a khalik for it, right? Nabi Pak sallallahu, just like Arabic ka ye hai, al-ba'ratu tadullu ala al-ba'ir, right? Ke the camel drops, droplets, it tells you that a camel has passed over here. Al-ba'ratu tadullu ala al-ba'ir, wa atharu al-aqdami tadullu ala al-masir, or insan ke naqsh, the signs of the footsteps basically,
it's a sign, an indication that a person has passed by over here, right? وَالْأَرْضُ ذَاتُ أَشْجَارٍ وَالْبِحَارُ ذَاتُ أَمْوَاجٍ وَالْسَّمَاءُ ذَاتُ أَفْلَاكٍ كَيْفَ لَا تَدُلُّ عَلَى الصَّانِعِ الْخَبِيرِ. اسی طرح یہ زمین جو ہے اس میں درخت کا ہونا اور سمندر میں موج وغیرہ کا ہونا اور آسمان میں ستاروں وغیرہ کا ہونا, یہ کس طرح یہ دلالت نہ کرے اس بات کی طرف کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے. Right? So everything, it takes us to that there is a creator. So tamam tareefein us Allah ke liye jo sare jahanon ka, whether it's the alam of humans, whether it's jinns, whether it's animals, insects, or whatever, a realm, a dimension, universe, Allah subhanahu wa ta'ala ki tareef, Allah, tamam tareef us Allah ke liye jo un tamam ka creator hai. He is the nourisher, he is the inventor, he is the nurturer of everything. Right? That's what Alhamdu Lillahi Rabbil Alameen basically means. Ar-Rahman Ar-Rahim. Subhanallah, ajeeb baat. Allah subhanahu wa ta'ala ki bahut sari sifat hain. Right? Usme 99 naam hain. More than 99 names of Allah subhanahu wa ta'ala. Rahman, Rahim, ye to jante hain. Isi tarah Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Qahhar. Dusri sifat jalaliya bhi hain Allah ki. جو بتلاتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی it talks about the greatness of اللہ سبحانہ و تعالیٰ, right? کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیان فرماتی ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ جن صفات کا انتخاب کیا, الرحمن کا اور الرحیم کا, right? کیوں؟ بتلانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ایک, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان رحمتی سبقت غضبی, that my mercy overcomes and overtakes my anger. Allah subhanahu wa ta'ala bayan farmana cha rahe hain ke wo sare jahanon ka palanhar to hai, right? He at the same time, he is Rahman and Rahim also. Wo agar kisi se galti ho jaye, agar kuch ho jaye to uski taraf rujoo kare to foran maaf kar dega. Ar-Rahman ke bare mein humne bayan farma diya, Ar-Rahim ke baare mein Bismillahir Rahmanir Rahim we talked about, so we'll move on to the next ayah. Maliki Yawm al-Din. Malik, master, owner. Yawm, din. And ad-din, recompense. The day of recompense. Yawm al-Jaza, right? Retribution. So Allah subhanahu wa ta'ala, he is also at the same time Rahman bhi hai, Rahim bhi hai. But Satmi, he is also the master of the day of recompense. So what we learn, number one, is kisi ke upar zulm nahi hoga. Malik yawm al-din, yawm al-jaza ka malik hai. Wo Allah subhanahu wa ta'ala bandon ko apne aamal ka badla dega, lekin kisi pe zulm nahi hoga, rahim, because he's a rahman, he's rahim. But at the same time, we should know that he is the sole owner. Kisi ki wahan aur chalne wali nahi hai. Right? Maliki Yawm al-Din. Now when we look back again, then we can go to the next ayah. A being who's worthy of praise, who owns, who created all the alams, he takes care of everything. He's Ar-Rahman, he's Ar-Rahim. He will also be the sole owner of the day of judgment. Right? He owns everything. Only that being, only that can be worthy of worship. That's why the next ayah is إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. Inshallah, I'll finish with this ayah. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. Little bit of grammar discussion. I hope you don't get bored. إِيَّاكَ نَعْبُدُ in the Arabic language, thodi Arabic bhi seekh le inshallah. Agar aap bole, to ye kaaf jo hai waise, It's a harf hai waise to ye. It's a kaful khitab. Mana jo hai, sirf kaf ke hai. You. Iya koi lafz bhi nahi hai Arabi zuban mein. It cannot even stay without the kaf. So in order to make it correct, it's saying iyaka. Number one. Dusri baat, hum agar bolte hain, to hota ye Arabi mein ki kaf jo hai, ye preposition wagera, baad mein aata hai. Na'buduka. Hum aapki ibadat karte hain. Lekin yahan maqsood ye nahi tha. یہاں بتلانا یہ ہے کہ ورشپ اور عبادت اور بندگی جو ہے پہلے آئے گی. ایاک نعبدو کا ترجمہ کریں گے ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبدو کا ترجمہ ہوگا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تیری ہی صرف عبادت.
तो ही है जो इबादत के मुस्तहिक है. नाबुदु अब्दियत ह्यूमिलिटी जो है नाबुद, और सबसे ज्यादा बंदगी का इजहार उस वक्त होगा जब बंदा सजदे में इय्याका नाबुदु हम तेरी ही इबादत करते हैं. नाबुदु में हमें क्या सबक मिलता है? नाबुदु हम तेरी, जमा यूनिटी बतलाने के लिए अल्लाह सुभान व तआला बतलाएंगे हम साथ में रहेंगे यूनिट वन देन वी शैल बी सक्सेसफुल राइट. It's a combined effort. Na'budu, community, unity at the same time. And then all the, at the same time, we learn, if you want to be on a good side of someone, first you have to do something for that person. Allah subhanahu wa ta'ala is saying, pehle ibadat, pehle meri mano, meri bandagi agar aap karoge, wa iyyaka nasta'in, teri tujhse hi hum madad chahte hain, pehle agar Allah subhanahu wa ta'ala ko razi karenge, to jis cheez mein bhi hume madad chahiye, wo hume milni hi milni hai. Wa iyyaka nasta'in. You cannot be on someone's good side and expect favors from, at the same time, you don't give anything in return. So Allah subhanahu wa ta'ala keh rahe hain, pehle meri manna pade, iyyaka. When it comes to worship, it is not how we want, it is not how we like. Ye nahi chalega ki main is tarah kahun, bhai fajr ki rakat mujhe aaj se teen padni hai, bhai zuhr ki main teen karunga char ke bajaye. It's not how it works. It's, you have to put that out the window. It goes with the shoe, on the shoe rack, with your shoes, right? It's not how we want it. It is ibadat aur bandagi ka yo ibadat ka, how Allah subhanahu wa ta'ala wants. Teri hi hum ibadat karte hain, jaisa ki tu chahta hai, aur tujhi se hum, wa iyyaka nasta'in, aur tujhi se nasta'in, hum isti'anat, hum madad chahte hain. Isse ek aur sabak milta hai hame. Kya sabak mil raha hai yahan pe? That, agar humne hamari zindagi mein, कोई मरहला अगर ऐसा आ गया कि हम हमारी हर जरूरत के लिए अल्लाह को पहले करने लग गए, वी स्टार्टेड मेकिंग अल्लाह सुबहानहु व तआला फर्स्ट इन आवर इन ऑल ऑफ आवर मैटर्स, देन वी आर सक्सेसफुल. लेकिन अगर हमारी जिंदगी में कोई दिन ऐसा नहीं आया कि हम अल्लाह को पहले रख पाए, बस हम दूसरी चीजों की तरफ, मादियत की तरफ, मटेरियलिज्म एंड एवरीथिंग एल्स वाज फर्स्ट एंड देन वाज अल्लाह, आई ट्राइड दिस नथिंग वर्क, देन आई वेंट या अल्लाह अब तू ही मदद कर दे. नहीं, रॉन्ग वे, वी वेंट द रॉन्ग वे. द फर्स्ट वाज या अल्लाह यू हेल्प, एवरीथिंग एल्स विल कम इन प्लेस. अगर हमने हमारी जिंदगी में ऐसा टाइम पा लिया, अगर कभी हो गया ऐसा कि हर चीज में हम अल्लाह ही की मदद चाह रहे हैं, हर चीज में अल्लाह पहले, then everything else is good, then you are successful. Lekin agar hamari zindagi mein kabhi aisa din nahi aaya, hum, we are going the wrong way, counterclockwise, right? If we're going the wrong way, everything is coming first, Allah is coming last, then we have not got anything in this world, then we are going on the wrong way. We have to check that into our lives. Mujhe bhi dekhne ki zaruri hai, hum tamam ke liye dekhna zaruri hai ki hamara circle kaun si taraf ja raha hai aur kis tarah start ho raha hai. Waise Allah subhanahu wa ta'ala is telling us, iyyaka na'budu, pehle Allah, फिर मदद भी मिलेगी, लेकिन हर चीज में अल्लाह पहले. यहाँ भी ठहर जाए इंशाल्लाह, फिर हम लोग खत्म कर लें नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह. ठीक है, सुभान अल्लाह वहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा वहम्दिक, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुक व नतूब इलैक. अगर कोई क्वेश्चन हो, और डू आई लीव दिस ऑन, और इफ देयर इज अ क्वेश्चन एट द सेम टाइम, if I know it, inshallah, I'll answer it this week. If not, then I will write it down now and inshallah give an answer next week. But also at the same time, this is one way of doing tafsir. I was trying to take a middle path. There's another way, two other ways. Either one is just going by the translation and just very simple way. We can finish very fast in that. All you do is read the Arabic and translate it. That's one way of doing it. The other way is like Imam Razi rahmatullahi alayhi has done. He's written the tafsir in 24 volumes, and every volume has more than 500 to 600 pages. That'll take you more than 30 years just to read it, maybe. Right? So that's one way of doing it. I don't want to go to that way. He goes to every single detail of everything. Right? One of them is trying to take a middle path. And my goal main is, because Allah subhanahu wa ta'ala has made this book as a guidance, so we try to take lessons from it, extract. I don't want to just stay with, the translation, a little bit of tafsir, definitely whatever is needed, that, you know, this ruling comes out from here. Definitely we can understand that also if there's something related to the background. But at the same time, my main goal is to take out lessons. What we learn from it? What does Allah subhanahu wa ta'ala want? What do we extract from it? So my focus I want to do is more on taking lessons from it. What do we learn from these ayats?
So inshallah, I'll try more stress out on taking lessons from it. This is what I'm thinking of. Is there any other, if there's any... This is the best way. Yeah. Is the green. We'll look at one mother. I love it. एक सिस्टर का क्वेश्चन है कि सूरह फातिहा का या कुरान की किसी भी आयत को अगर दम करते हैं पानी में जी जी या वो पढ़ के फूंकते हैं जी 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 वो कैसा है बिल्कुल जायज कोई उसमें ये नहीं उसमें कुरान पाक ये एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्नहु शिफाउन लिकुल्ली दाएं ये तो कुरान पाक के बारे में खुद अल्लाह सुब्हान व तआला कुल हुवा लिल्लजीन आमनू हुदन व शिफा अब मैं जब मदीनत मुनव्वरा में पढ़ रहा था हमारे अकीदे के जो उस्ताद थे उन्होंने हमें कुछ चीज़ें बतलाई हम कि भाई तीन चीज़ें याद रखें नंबर वन एक ये है कि आप जो भी अमल कर रहे हैं रुकिये का जो भी अमल कर रहे हैं उसमें शिर्क नहीं होना चाहिए मालम यकुन फीही शिर्कन यानी एसोसिएटिंग अ पार्टनर विद अल्लाह सुब्हानहु व तआला किसी और से इस्तिमदाद हो इस्तिआनत सिर्फ अल्लाह सुब्हानहु व तआला से हो तो इसमें शिर्क नहीं होना चाहिए नंबर वन क्या अरबी ज़ुबान में होना ज़रूरी है ये भी ज़रूरी नहीं है कि अरबी ज़ुबान ही में हो नंबर थ्री उन्होंने ये भी बतलाया हमें कि शेखुल इस्लाम वगैरह इब्न तैमिया रहमतुल्लाह दूसरों ने भी लिखा है तजरबतु ज़ाहिरा तजरबा किया हुआ है मुजर्रब अमल है और उससे फ़ायदा हुआ है उसमें कोई शिर्क नहीं है जायज़ है जैसे डॉक्टर के डॉक्टर के पास आप दवाई लेने जाते हैं जब तो अब ये थोड़ी है कि भाई ये जायज़ अमल था या नहीं वो तजर्बा है एक उनका उनके पास अल्लाह ने नॉलेज दिया हुआ है उस फील्ड का इससे आपकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है कि ये कुरान शिफा है राइट